नमस्कार दोस्तों, लाल पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है प्रत्यय। प्रत्यय शब्द या धातु के अंत में जोड़ा जाता है। संस्कृत में प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं, कत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कत प्रत्यय धातु के अंत में जोड़े जाते हैं, तद्धित प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और स्त्री प्रत्यय धातु तथा शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जुड़ करके उनको विशेषता प्रदान करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। या वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जुड़ करके उनके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय हमेशा धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। तो आज का विषय है प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब परश, परश जो, परश मीन्स बाद में, जो बाद में जुड़े उसको प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं, पहला कृत प्रत्यय, नंबर दो तद्धित प्रत्यय, नंबर तीन स्त्री प्रत्यय। ये तीन प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कत प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं। तद्धित प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, उनके अर्थ में विशेषता प्रदान करते हैं। और स्त्री प्रत्यय शब्द तथा धातु के अंत में जुड़ करके उनके अर्थ में एक विशिष्टता प्रदान करते हैं, उनके अर्थ को बदल देते हैं। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार के प्रत्यय होते हैं। तो नंबर वन कृत प्रत्यय, ये किसके अंत में जोड़ा जाता है? धातु के अंत में कृत प्रत्यय जोड़ा जाता है, धातु धन कृत। नेक्स्ट तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय शब्द धन तद्धित प्रत्यय, शब्द के अंत में तद्धित प्रत्यय जोड़ा जाता है। स्त्री प्रत्यय शब्द या धातु के अंत में स्त्री प्रत्यय जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार के प्रत्यय हुए। नंबर वन कृत प्रत्यय जो धातु के अंत में जुड़ करके उनके अर्थ को विशेष अर्थ बना देता है, उनके अर्थ को बदल देता है, उनके अर्थ में विशिष्टता प्रदान करता है। तद्धित प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ करके उस शब्द के अर्थ को विशिष्टता प्रदान करता है या उनके अर्थ को बदल देता है। स्त्री प्रत्यय शब्द तथा धातु के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देता है। इस प्रकार से तीन प्रत्यय। आज हम बात करेंगे कत प्रत्यय के विषय में, जो धातु के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देता है। हम सिक्स क्लास से पढ़ते आ रहे हैं,
बहुत ही सरल प्रत्यय है। कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, कत्वा का अर्थ होता है कर या करके, कर या करके, ये अर्थ होते हैं। अब कत्वा प्रत्यय का जो ये स्वर रहित क होता है, धातु के एंड में जोड़ते समय इसका लोप कर दिया जाता है, हटाना, लोप का मतलब हटा दिया जाता है। जैसे पठ धन कत्वा प्रत्यय, अब जो पठ धन कत्वा प्रत्यय है, जिस धातु के अंत में कोई स्वर नहीं होता है तो उसमें धातु में ई जोड़ा जाता है, ई, तो लिखेंगे पठित्वा। कैसे जोड़ा जाता है, जैसे इसके अंत में कोई स्वर नहीं है तो पैठ है और ई जोड़ देंगे, क्या हुआ पठी, और यहां पर केवल आधा तय और वा जोड़ेंगे तो क्या हुआ पठित्वा, पठित्वा, पठित्वा मीन्स पढ़कर, पठित्वा पढ़कर। नेक्स्ट जैसे चल धन कत्वा प्रत्यय है, कत्वा के विषय में हमने विचार किया कि जो स्वर रहित क है ये धातु में जोड़ते हैं तो इसका लोप कर दिया जाता है, ये स्वर रहित क धातु के अंत में जोड़ा नहीं जाता है, केवल क्या जोड़ते हैं त्वा शेष रहता है, यही धातु के अंत में जोड़ते हैं। तो अब बताया कि जिस धातु के अंत में कोई स्वर नहीं होता है उस धातु में ई जोड़ दिया जाता है, ई, जैसे चल है इसमें कोई स्वर नहीं है तो चल में रिश्व ई जोड़ेंगे तो क्या होगा चली हुआ। अब जोड़ेंगे क्या शेष आधा ते और वा, तो मतलब हुआ चलित्वा, लिखेंगे चलित्वा, चलित्वा का अर्थ हुआ चल कर, चल कर, चलित्वा का अर्थ हुआ चल कर। इस प्रकार से कत्वा प्रत्यय के शब्दों का निर्माण करते हैं धातु के अंत में प्रत्यय जोड़ करके। नेक्स्ट उदाहरण और देखिए, याद रखने के लिए लिख देता हूं कत्वा, इसका त्वा शेष रहता है। नेक्स्ट है जैसे क्रीड धन कत्वा, क्रीड धन कत्वा, क्रीड का मतलब होता है खेलना। अभी स्पष्ट हो गया कि ये जोड़ते समय इस के को हम नहीं जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे शेष, त्वा शेष, और जिस धातु के अंत में स्वर नहीं होता है उस धातु में ई जोड़ा जाता है, क्रीड है, क्रीड धन ई रेश्व ई, तो क्या बना ये क्रीडी बना। अब इसके एंड में कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो केवल शेष जोड़ेंगे आधा तय और वा, तो बना क्रीडित्वा, क्रीडित्वा शब्द बना, क्रीडित्वा का मतलब होता है खेल कर, खेल कर। इस प्रकार से क्रीडित्वा का मतलब हुआ खेल कर। इसी के अनुसार
जैसे खेल धातु है, धन कत्वा प्रत्यय जोड़ना है हमें, खेल धातु और कत्वा प्रत्यय जोड़ना है, तो खेल में कोई स्वर नहीं है इसलिए इसमें ह्रस्व ई जोड़ेंगे, ह्रस्व ई जोड़ेंगे तो क्या होगा, खेली, और यहां पर आ जाते और वा खेलित्व। इस प्रकार से खेलित्व हो गया, खेलित्व का मतलब होता है खेलकर, खेलकर, खेलित्व का मतलब खेलकर, तो ये शब्द बना खेल। नेक्स्ट उदाहरण, जैसे पा धातु है, कत्वा प्रत्यय जोड़ना है, पा धातु कत्वा प्रत्यय, तो के हट जाएगा क्योंकि के का लोप हो जाता है, और पा जो है इसमें लिखेंगे पी और आधा ते और वा, पीत्वा, पीत्वा का मतलब होता है पीकर, पीकर। प्रत्यय हमेशा मूल धातु के साथ जोड़ा जाता है। नेक्स्ट एक रूल और देखिए, जैसे नम धन कत्वा, नम धन कत्वा, इसको ध्यान से देखिए, जिन धातुओं के अंत में ने तथा मैं हो, जिन धातुओं के अंत में ने तथा मैं हो, तो उस ने और मैं का लोप हो जाता है। प्रत्यय का प्रयोग करते समय ने तथा मैं, हलंत युक्त ने तथा मैं का लोप हो जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। पहला नियम क्या था, नियम नंबर वन, पट धातु है, जिस धातु के अंत में कोई स्वर नहीं होता है उस धातु के अंत में हम ह्रस्व ई जोड़ करके आगे कत्वा प्रत्यय मीन्स इसका शेष जोड़ते हैं, त्वा, इसका शेष त्वा जोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, जिन धातुओं के अंत में जैसे नम है या नय है, इनके अंत में, जिन धातुओं के अंत में मैं या ने हो, तो मैं और ने का लोप हो जाता है, ने और मैं का लोप हो जाता है, तथा इन इनमें ई भी नहीं जोड़ा जाता है, नहीं जोड़ा जाता है, ई भी नहीं जोड़ा जाता है। जैसे आपके सामने उदाहरण है, नम धन कत्वा, तो हलंत युक्त है तो इसलिए इसमें का लोप हो जाएगा, लोप हो जाएगा। यहां पर क्या बचा है, केवल ने, और अब क्या करेंगे, आधा तय और वा, केवल शेष जोड़ेंगे, शेष कोई भी धातु हो तो हमें कत्वा प्रत्यय एंड में जोड़ना है, तो ये आधा के स्वर रहित नहीं जोड़ेंगे, केवल आधा तय और वा जोड़ेंगे, तो लिखेंगे आधा तय और वा नत्वा। नत्वा का मतलब होता है झुक कर, झुक कर, या नमस्कार करके, नमस्कार करके, ये दो अर्थ होते हैं। तो नत्वा मीन्स झुक कर या नमस्कार करके। इसके मूल धातु के बारे में जाने तो मूल धातु क्या है, नम धातु है, मूल धातु नम धातु है। नेक्स्ट उदाहरण और देखें, दो नियम हमने पढ़े। पहला नियम है, जिस धातु के अंत में स्वर नहीं होता है उस धातु के अंत में ह्रस्व ई जोड़ दी जाती है, और जिन धातुओं के अंत में हलंत युक्त मैं और न होता है
उन मैं और ने का लोप हो जाता है तथा इसमें ई नहीं जोड़ा जाता है, ई नहीं जोड़ा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जैसे गम धन कत्वा, अभी अभी हमने नियम पढ़ा कि जिस धातु के अंत में हलंत युक्त मैं या ने होता है उसकी मैं का लोप हो जाता है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, केवल गे और शेष लिख देंगे आदा ते और वा बन गया गत्वा। गत्वा का अर्थ हुआ जाकर, गत्वा का अर्थ हुआ जाकर। तो इस प्रकार से हम ये प्रत्यय बनाते हैं। नेक्स्ट और देखिए, गम धातु हमने जोड़ी, नेक्स्ट जैसे श्रु धातु, श्रु धन कत्वा प्रत्यय, तो जिस धातु के अंत में कोई स्वर होता है तो उसको एज इट इज वैसी की वैसी रहने देते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होता। श्रु और इसके एंड में आधा तय और वा जोड़ देंगे श्रुत्वा। श्रुत्वा का मतलब होता है सुनकर, सुनकर। मूल धातु श्रु का अर्थ क्या हुआ, सुनना। मूल धातु श्रु का अर्थ हुआ सुनना और श्रुत्वा का मतलब हुआ सुनकर। अब नेक्स्ट और देखिए, एक मुख्य नियम एक और देखिए, भ्रम धन कत्वा, एक नियम और देखिए, यह है जिन धातुओं के अंत में हलंत्युक्त में और ने समान वर्ग के हों तो इसका लोप नहीं होता है, लोप नहीं होता है। नियम लिख देता हूं, जिन धातुओं के अंत में मैं या ने समान वर्ग के हों, समान वर्ग के हों तो मैं तथा ने का लोप नहीं होता है और मैं तथा मैं रेश्व ई जोड़कर प्रत्यय का निर्माण किया जाता है। फिर से देखिए, जिन धातुओं के अंत में मैं या ने समान वर्ग के हों तो मैं ने का लोप नहीं होता है और ने में ई जोड़कर प्रत्यय का निर्माण किया जाता है। किस प्रकार से करते हैं देखिए दोस्तों, समान वर्ग कैसे, जैसे पे फे भे भे और मैं, जो ये मैं है और ये भय है ये एक ही वर्ग में है, इसको बोलते हैं समान वर्ग। एक ही वर्ग के यदि होते हैं मैं से पहले तो उनके उस मैं या ने का हलंत युक्त मैं या ने होते हैं उनका लोप नहीं होता है और इस मैं और ने में ई जोड़ करके लिखा जाता है रेश्व ई। रेश्व ई किस प्रकार से जोड़ेंगे देखिए, भ्रम धन ई, तो क्या हुआ भ्रमी,
अब आधा तैमर वा जोड़ देंगे तो हो गया भ्रमित्वा, भ्रमित्वा तो इसका मतलब हुआ भ्रमण करके, भ्रमण करके या घूमकर, घूमकर। इस प्रकार से हम इनके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। समझ गए होंगे आप कि किस प्रकार से नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अब एक साथ हम ये उदाहरण लिख करके देखते हैं, आपको दोबारा रिवाइज करवाता हूं। जैसे नंबर वन रक्ष, धन कत्वा, पठ धन कत्वा, नी धन कत्वा, क्रीड धन कत्वा, धा धन कत्वा, नम धन कत्वा, भ्रम धन कत्वा इत्यादि। अब जो प्रत्यय हैं, कत्वा प्रत्यय का मतलब होता है कि हम इस धातु के अंत में केवल त्वा जोड़े, केवल त्वा जोड़े। मैंने आपको चार नियम बताए। पहला नियम ये कि जो कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो उस कत्वा प्रत्यय के जो ये के है इसका लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, केवल धातु के अंत में त्वा जोड़ते हैं। दूसरा नियम बताया कि जिस धातु के अंत में स्वर नहीं होता है उस धातु में हम रिश्व ई जोड़ते हैं। नेक्स्ट, जिस धातु के अंत में स्वर होता है उसमें कुछ भी नहीं जोड़ा जाता है। इससे नेक्स्ट, जिस धातु के अंत में अलंकृत में और ने होता है और वो समान वर्ग के नहीं होते हैं तो में और ने का लोप हो जाता है, हट जाते हैं। नेक्स्ट, जिस धातु के अंत में या ने होते हैं लेकिन वो समान वर्ग के होते हैं तो उसमें मैं ने का लोप नहीं होता है और उसमें ई जोड़ दिया जाता है, ई जोड़ दिया जाता है। देखिए उदाहरण रक्ष प्लस कत्वा, इस धातु के अंत में कोई स्वर नहीं है इसलिए देखो जोड़ करके इसमें ई जोड़ देंगे क्योंकि कोई स्वर नहीं है तो लिखेंगे रक्षी और आधा तयवा रक्षित्वा मीन्स रक्षा करके, रक्षा करके, ये इसका अर्थ हुआ। नेक्स्ट है पठ धन कत्वा, इस धातु के अंत में कोई स्वर नहीं है इसलिए इस ठे में रेश्व ई जोड़ेंगे तो हो जाएगा पठित्वा, का मतलब हुआ पढ़कर, पठित्वा का मतलब हुआ पढ़कर। नेक्स्ट है नी, अब नी में अंतिम स्वर है इसलिए इसमें ने तो कुछ जोड़ा जाता है, उन्हें हटाया जाता है, ये ने लिखा और इसका शेष लिखेंगे त्वा, तो हो गया नीत्वा झुक कर, झुक कर, झुक कर, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्रीडित्वा बनेगा क्रीड धातु, इसके डे में कोई स्वर नहीं है इसलिए इसमें स्वर नहीं होने पर क्या जोड़ेंगे ई, रिश्व ई, तो करेंगे क्रीडित्वा। इस प्रकार से खेल कर, खेल कर। नेक्स्ट धाव धन कत्वा, धा वह में कोई स्वर नहीं है तो इसमें भी हम ई जोड़ेंगे तो क्या होगा धावी और आधा तेवा, धावित्वा मीन्स दौड़कर, शब्द बना दौड़कर। नेक्स्ट नम धन कत्वा, मैं है हलंतयुक्त लेकिन समान वर्ग के नहीं है क्योंकि ये जो न है ये तो तय वर्ग का है और मैं है ये पै वर्ग का है इसलिए इस मैं को हटा देंगे तो क्या होगा न और आधा तय और वा, नत्वा मीन्स नमस्कार करके, नमस्कार करके अर्थ हुआ। नेक्स्ट है भ्रम, अब भय और मैं दोनों पै वर्ग के हैं इसलिए मैं का लोप नहीं होगा। जब
मैं धातु के अंत में मैं या ने समान वर्ग के होते हैं तो उस मैं या ने का लोप नहीं होता है। मैं और ने में रेश्म ई जोड़ करके कत्वा प्रत्यय बनाया जाता है। तो देखिए भ्र मैं में छोटी ई रेश्म ई और त्वा भ्रमित्वा मीन्स भ्रमण करके, भ्रमण करके। इस प्रकार से हम कत्वा प्रत्यय से शब्दों का निर्माण करते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल हैं, वाक्य हैं, उसके आधार पर भी हम अभ्यास करते हैं। राम है पाठम पठति, नंबर वन। नेक्स्ट रामः लेखम लिखति। दो क्रियाएं हैं अलग अलग और दोनों क्रियाओं में जो कर्ता है वह समान है, दोनों क्रियाओं में कर्ता समान है, तो एक कर्ता को हम हटा देंगे। और जो ये क्रिया है इसकी मूल धातु क्या है, पट, और इसमें कत्वा ये जोड़ देंगे वाक्य बनाने के लिए। जब दो वाक्य हों और दोनों वाक्यों में समान कर्ता हों तो एक कर्ता को हटा दिया जाता है और एक कर्ता की जो क्रिया होती है उसमें कत्वा प्रत्यय जोड़ करके नया वाक्य का निर्माण किया जाता है। अब देखिए रामः पाठम पठित्वा, रामः पाठम पठित्वा पठधन कत्वा, लेखम लिखति। इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे, रामः पाठम पठित्वा लेखम लिखति। जो ये पठति में पठ धातु है इसमें कत्वा प्रत्यय हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा पढ़कर, राम पाठ पढ़कर लेख लिखता है। ऊपर वाली पंक्ति का मतलब हुआ राम पाठ पढ़ता है, राम लेख लिखता है, तो दोनों जो ऊपर वाले वाक्य हैं उन दोनों वाक्यों का एक वाक्य बना दिया गया कि रामः पाठम पठित्वा लेखम लिखति, राम पाठ पढ़ करके लेख लिखता है, ये आंसर हुआ। इस प्रकार से हम बनाते हैं। और भी वाक्य देखिए, पंकजे कार्यम करोति, पंकजे गृहं गच्छति। ये वाक्य है, पंकज कार्य करता है, पंकज घर जाता है, दोनों में समान करता है तो एक कर्ता का क्या कर देंगे, लोप हटा देंगे। और जो ये इस करोति में क्री धातु है इसमें कत्वा प्रत्यय जोड़ देंगे, कत्वा प्रत्यय जोड़ देंगे। लिखते हैं पंकज कार्यम कृत्वा, क्री धातु धन कत्वा प्रत्यय, कृत्वा क्या करता है, गृहेण गच्छति। इस प्रकार से वाक्य बनाते हैं, पंकज कार्य करता है, पंकज घर जाता है, तो वाक्य बनाया पंकजे कार्य कृत्वा, पंकज कार्य करके गृहेण गच्छति घर जाता है, गृहेण गच्छति घर जाता है। इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं।
और देखिए उदाहरण से लेखम लिखती से विद्यालयम गच्छति से लेखम लिखती वह लेख लिखता है से विद्यालयम गच्छति वह विद्यालय जाता है तो दोनों में समान करता है तो इससे एक कर्ता का क्या करेंगे लोप कर देंगे और जो क्रिया है इसकी मूल धातु क्या है लिख लिख में कर्ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो हमारा वाक्य बनेगा से लेखम लिखित्वा लिखित्वा विद्यालयम गच्छति से लेखम लिखित्वा वह लेख लिखकर विद्यालयम गच्छति विद्यालय जाता है तो इस प्रकार से वाक्य बनेगा नेक्स्ट पिता समाचार पत्रम पठति पिता भोजनम करोति ये वाक्य है पिता समाचार पत्र पढ़ते हैं पिताजी पिताजी भोजन करते हैं तो दोनों वाक्यों में समान करता है तो एक कर्ता का लोप कर देंगे ठीक है दूसरी जो क्रिया है इस क्रिया में मूल धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ दें वाक्य बनेगा पिता समाचार पत्रम पठित्वा पठ धन कत्वा भोजनम करोति वाक्य बना पिता समाचार पत्रम पठित्वा पिताजी समाचार पत्र पढ़कर के भोजनम करोति भोजन करते हैं नेक्स्ट एक उदाहरण और देखिए बालके क्रीडति बालके पठितुम इच्छति बालके है क्रीडति बालके है पठितुम इच्छति बालके है क्रीडति बालके पठितुम इच्छति तो यहां पर समान करता है तो इसका समान करता का लोप हो जाएगा यहां पर क्रीड धातु है इसमें कर्ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो वाक्य क्या बनेगा बालके है क्रीडित्वा बालके क्रीडित्वा पठितुम इच्छति बालके क्रीडित्वा पठितुम इच्छति बालक खेल करके पढ़ना चाहता है इस प्रकार से वाक्य बनेंगे तो दोस्तों
यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने फायदे के लिए, जिसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।